अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ यूनिक स्टाइल में समोसे की रेसिपी शेयर करूंगी। वो है चीज़ कॉर्न समोसा। हम तो अक्सर खेमे का, चिकन, चाइनीज समोसा ये सब बनाते, लेकिन आज कुछ यूनिक समोसा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये मैं आज ये चीज़ कॉर्न समोसा बनाऊंगी। वो बहुत ही यम्मी यम्मी और डिलीशियस और अमेजिंग बन के रेडी होता है। ये बहुत ही खाने में इसका टेस्ट तो बहुत ही जबरदस्त है। तो चलिए मैं किस तरीके से बनाती हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैं बताती हूँ आप लोगों को मैं क्या क्या ऐड करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 1 कप कॉर्न है। मैं कॉर्न को सॉल्ट डाल के इसे मैंने बॉयल कर ली। पहला बॉयल कर ली इसको, क्योंकि ऐसे ही डालेंगे तो थोड़ा कच्चा लगेगा, इसलिए मैं बॉयल कर ली। थोड़ा हल्का सा सॉफ्ट हुआ है, बस ज़्यादा बॉयल नहीं की। इसको मैंने बॉईल करके रेडी करी, नमक और पानी में बॉईल करके। और ये 1 कप है कॉर्न। और ये कुछ चीज़ है, मैंने चीज़ ली हूँ, ये श्रेडेड मोज़रेला चीज़ है। इसको ये इसमें ऐड करेंगे। अभी मैं ये कॉर्न में क्या मसाले ऐड करती हूँ मैं आप लोगों को बताती हूँ। बहुत ही सिंपल और ज़्यादा मसाले नहीं, कम मसालों में ये चीज़ कॉर्न चीज़ समोसा बन के रेडी होगा। तो चलिए बताती हूँ मैं ज़्यादा इंग्रीडियंट्स की ज़रूरत नहीं है, बस खाली कम हम ऐड करेंगे। देखिए अभी इसमें मैंने ये ली हूँ ब्लैक पेपर, ये 1/2 टेबल स्पून है ब्लैक पेपर, ये इसमें ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, ये 1 टेबल स्पून हुआ, ये 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून ओरिगैनो है वो ऐड करेंगे। अब ये सॉल्ट में बहुत कम ऐड करूंगी, क्योंकि ये चीज़ भी थोड़ा सॉल्टी होता है और कॉर्न भी बॉईल करी थी तो कॉर्न में भी मैंने सॉल्ट डाली थी, इसलिए कम सॉल्ट है। आप लोग भी ध्यान रखना, आप लोग भी सॉल्ट कम ही डालना, क्योंकि चीज़ है ना ये थोड़ा सॉल्टी होता है। अभी ये थोड़ा हरा धनिया ये ऐड करेंगे थोड़ा फ्लेवरफुल लाने के लिए। अब इन सबको मिक्स करते हैं। और ये जो कॉर्न है ना एकदम ड्राई होना चाहिए, मैंने इसे छलनी में छान के रख दी थी। एकदम ड्राई होना चाहिए, पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें चीज़ भी ऐड करेंगे ना तो ये फिर अच्छी तरह से ये मिक्स नहीं होगा, इसका जो मसाला है ना सही से बनेगा नहीं, जो पानी नहीं होना चाहिए। अभी ये चीज़ है, ये चीज़ इसमें ऐड कर लेंगे। मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो और चीज़ ऐड करूँगी, अगर नहीं ज़रूरत पड़ी तो इतना ही काफ़ी रहेगा। देखिए अभी इनको मिक्स करना है, मैं इन सबको कॉर्न के साथ मैं मिक्स करूंगी। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स गया है इसमें, और कुछ ज्यादा नहीं ऐड करी हूँ मैंने, वो एकदम सिंपल और इजी है। मैं भी ये फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, लेकिन मैंने खाई थी वो मेरी मम्मी के घर गए थे ना तो वहाँ पे ऑर्डर करे थे, तो मैंने फिर खाई तो मुझे खाने में टेस्ट अच्छा लगा, मैं बोली चलो मैं बना लेती हूँ। अभी और चीज़ मेरे ख्याल से और चीज़ मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं डालती हूँ और एक चीज़ थोड़ा चीज़। देखिए फ्रेंड्स और थोड़ा चीज़ ऐड कर लेती हूँ, ये मोज़रेला चीज़ है ना। अभी बस इतना ही काफ़ी है। अगर आप लोगों को चाहिए तो चिली फ्लेक्स हैं थोड़े आप लोग ऐड कर सकते हैं, मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है। ये थोड़ा चीज़ी चीज़ी लगता है खाने में, इतना स्पाइसी भी नहीं अच्छा लगे, थोड़ा हम खाएंगे तो मुँह में चीज़ी चीज़ी लगेगा तो अच्छा लगता है खाने में भी। देखिए चलिए अभी मैं आपको समोसा बनाना बताती हूँ। वैसे भी मेरी ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, मैंने किस तरीके से आप लोगों को समोसा बनाने को बताई थी, लेकिन फिर भी ये जो कॉर्न चीज़ का समोसा बनानी है तो एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ मैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अभी बता रही हूँ, देखिए
इस तरह से ऐसा, इस तरह से यूं, ये जो चार उंगली है ना हमारी, इस तरह पकड़े, ऐसा पकड़े, ठीक है। फिर इसे इस यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये लिए और ये जो कॉर्नर दिखता है, ये कॉर्नर से इस तरह से हमें फोल्ड करना है, इस करे और इस तरह से रोल कर दिए। देखिए सिंपल एकदम, थोड़ा चाहिए तो और चाहिए मसाला ऐड करें। देखिए देखिए इसका कोना भी देखिए, बराबर जॉइंट हुआ ना इस तरह से। फिर हमें इधर ये जो मैंने ये इसकी मैदे का मैंने बना के रखी थी पेस्ट, ये पेस्ट इसमें लगाएंगे। यहाँ पे जो कवर दिखता है इस तरह से पेस्ट लगाएंगे। देखो आप लोगों को एकदम नज़दीक से मैं दिखा रही हूँ तो आप लोगों को भी समझ में आएगा। वैसे भी मैंने आप लोगों को बता चुकी हूँ, लेकिन अभी चीज़ कॉर्न का समोसा बना रही हूँ ना, तो मैं बोलिए ये भी बता देती हूँ किस तरह से करती हूँ। देखिए तो ये जो कॉर्न है ना, ये ओपन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी चीज़ डाले ना तो अभी फ्राई करेंगे तो मेल्ट ना हो। ये देखिए वह स्टिक और ये हो गया स्टिक। देखिए ना सिंपल है। अभी मैं आप लोगों को और एक दिखाती करके, अभी एक इधर यहाँ रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अभी वो आपको वो चीज़ श्रेड चीज़ वाला मैंने समोसा बताई ना, चीज़ कॉर्न समोसा। अभी मैं आप लोग आपको ये स्लाइस, ये चीज़ स्लाइस है ना, उसका एक बताती हूँ, ठीक है। ये भी एक अलग डिफरेंट है, ये भी आप लोग बना के खा सकते हैं इस तरह से, अच्छा बनता है ये भी। देखिए अभी ये मैंने जो पट्टी ली और ये जो है ना, ये फूल था, ये चीज स्लाइस फूल है, मैंने इसका हाफ करी एक बताई हूँ मैंने आप लोगों को रखने के लिए किस कौन सा चीज था। देखो ये चीज स्लाइस पूरा फूल है, मैंने इस तरह से इसको दो पोर्शन में कर दी। देखिए इस तरह से अभी यहाँ पे इसे रखते हैं, यहाँ पर रखती हूँ मैं। देखिए यहाँ पर रखी, अभी यहाँ पे जो गैप है ना, फिर से ये इस तरह यहाँ पर कवर करेंगे हम इसको, ऊपर इस तरह से कवर कर लिए है ना। अभी क्या करेंगे, ये जो कॉर्न है ना, ये थोड़ा सा कॉर्न इसको ऊपर ऐसा स्प्रेड कर लेते इस तरह से। देखिए रेड कर ली, अभी क्या करेंगे हम, अभी इसको हाथ में हम लेंगे और हाथों में लेके फिर से कॉर्नर है ना, जो ये कॉर्नर से हमें फोल्ड करना है इस तरह से, मैं फोल्ड कर दूंगी। देखिए देखिए आप लोग इस तरह से फोल्ड कर दी, बस अभी ये कौन इसमें रह गया, अभी इधर से स्टिक कर देंगे हम। देखिए ये भी अच्छा है, इस तरह से हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिए, इसको इस तरह स्टिक कर दिए, हो गया सिंपल। कैसा लगा, दो टाइप ऑफ समोसा, एक श्रेड वाला और एक चीज स्लाइस वाला। देखिए देखिए आपने इस तरह, ये भी आप लोग का स्लाइस हो तो इस तरह ये भी बना सकते हैं इस तरह का समोसा। देखिए फ्रेंड्स, ये चीज स्लाइस वाला है, ये तीन चीज स्लाइस वाला है, एक मैं बना कर रख दी थी और ये दो आपको दिखाई मैंने, ये तीन चीज स्लाइस वाला है और ये श्रेडेड चीज वाला है। अभी हम फ्राई करेंगे ना तो मैं आप लोगों को दोनों में डिफरेंस बताऊंगी, ठीक है। जब फ्राई करूंगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। चलिए फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर मैंने तेल को ऑलरेडी गर्म करने रख दी थी हाई फ्लेम पे। तेल जैसे ही गर्म हुआ तो इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें एक एक समोसे को उठा के डालते जाना है और इसे कलर चेंज होने तक फ्राई करना है। देखिए एकदम गोल्डन ब्राउन कलर का कलर चाहिए हमें और अच्छा कड़क क्रिस्पी चाहिए है। देखिए
अभी यहाँ पे मैं इसे टर्न करती हूँ और टर्न करके दूसरी तरफ भी इस तरह से हमें ब्राउन करना है, ज़्यादा जलाना नहीं है, एकदम ब्राउन लाइट ब्राउन कलर जैसा ही हमें फ्राई करना है। और देखिए कितना अच्छा कड़क क्रिस्पी बन के रेडी हुआ है। और अभी इसकी प्लेटिंग भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए इसकी प्लेटिंग, अभी आप लोग इसे सॉस या चटनी के साथ भी इंजॉय कर सकते हो। अभी मैं आप लोगों को ये दोनों चीज़ समोसे की डिफरेंस बताती हूँ। देखिए ये है श्रेडेड चीज़ वाला, इसका मैंने श्रेडेड चीज़ करी थी ना, देखिए चीज़ कितना अच्छी तरह से मेल्ट हुआ, कैसे खींचा रहा है। ये मोज़रेला चीज़ वाला समोसा है। और ये दूसरा जो बताया था मैंने, ये चीज़ स्लाइस वाला समोसा है। देखिए इसे भी तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए आप लोग दोनों में डिफरेंस कितना डिफरेंट है दोनों में। आई होप आप लोगों को आज की मेरी चीज़ समोसे की रेसिपी पसंद आएंगे। अगर पसंद आती तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं मिलती हूँ एक मज़े की रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।